स्लीपर्स हमारे फाइनल हो चुके हैं और जैसे शादी में इवेंट्स इतने सारे होते हैं तो स्लीपर्स भी हमारे उसी हिसाब से अलग अलग होते हैं। एक स्लीपर में तो कभी भी गर्ल्स का काम चलता ही नहीं है। बस जब भी हम लोग मार्केट आते हैं और कुछ खाए भी ना जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ हमने ले ली थी पाव भाजी और अचारी चाप, मलाई चाप, ये सब कुछ हम लोग खाने के बाद ही वहाँ से निकले। और मतलब हम लोग को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हमारे लिए यही हमारा प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं इसको चिटकारे ले लेके। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे फिर चूड़ा शॉप पे। चूड़ा परचेज करना था क्योंकि बाकी सारे काम हो गए थे, बस एक यही हमारा जो था काम पेंडिंग था। चूड़ा यहाँ पे हमने काफ़ी सारे देखे लेकिन जो हमें पसंद आया है वो ये वाला है जिसको अभी हम ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने से ये होता है ना कि हमें पता लग जाता है हमारे साइज़ का छोटा बड़ा है या नहीं है और हमारे हाथ पे कौन सा कलर सूट हो रहा है। वैसे तो इसमें रेड कलर ही ज़्यादा होता अच्छा लगता है, बट पिंक भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन जो हमने लास्ट में फाइनल किया वो था फाइनली हमारा रेड कलर जो अभी आपको नज़र आएगा। फाइनल होने के बाद हम लोग आ पहुंचे थे इस शॉप पे जहाँ पे लगन पत्रिका मिलती है। और आप लोगों को मालूम होगा शादी से पहले एक चिट्ठी जो है वो लड़के वालों के यहाँ पे जाती है। वो आजकल किस तरीके की ट्रेंडी चिट्ठी आ रही है, आप लोग भी इसको मार्केट से परचेज कर सकते हो। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ट्रेंडी लगती है तो हम लोगों को ये अच्छी लगी और हम लोगों ने इसको परचेज कर लिया। उसके बाद हम चले घर की तरफ। जब देखा आके यहाँ पे वाओ, इतनी मतलब धुंध पड़ी हुई थी ना, गाड़ी के शीशे पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलो गाड़ी के शीशे ही साफ़ कर लिए जाए क्योंकि गाड़ी चलाने में कुछ भी ट्रबल नहीं होना चाहिए। फटाफट से हमने यहाँ पे कर लिए हैं गाड़ी के शीशे साफ। मार्केट के आज ऑलमोस्ट सारे काम हमारे फिनिश हो चुके हैं तो रवाना होते हैं हम लोग घर की तरफ क्योंकि आज लोहड़ी भी है और हम तीनों सिस्टर्स बहुत अरसे के बाद आज लोहड़ी एक साथ सेलिब्रेट कर रही हैं क्योंकि इसके बाद छोटी सिस्टर जो है हमारी उसकी भी मैरिज हो रही है, आप लोगों को मालूम है, जिसकी शॉपिंग अभी चल रही है। तो उसके बाद ना जाने उसकी जो लोहड़ी है मतलब वो अपने ससुराल में ही सेलिब्रेट करेगी। तो सोचा कि आज अच्छे से बच्चों के साथ मिलकर लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाए। और यहाँ पे ना मतलब नॉर्थ इंडिया में दिन छोटे होते हैं सर्दियों के कारण तो शॉपिंग करते हैं ना पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और आ पहुँचे हैं हम लोग घर पे, लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे अभी हम लोग आके। बट फटाफट से खाना खा लिया है, अब लोग चलते हैं लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए। तो धुंध इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कि स्ट्रीट लाइट जो है वो भी नज़र नहीं आ रही है। और धुंध का दिन एक अपना अलग ही मज़ा है। नॉर्थ इंडिया में हम लोग धुंध हर तरीके का मौसम देखने को हमें मिलता है जिसका एन्जॉयमेंट भी हमें साथ साथ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे भी अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हैं और पूरा एन्जॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेशन का। और यहाँ पे भाई आ रहे हैं लकड़ी को लेते हुए और साथ ही साथ शर्मा भी रहे हैं। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।